पूजा और सब कोई घूमने में व्यस्त है, सब कोई अपने अपने घरों से निकल के घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे कि चलो आज चलते हैं घूमने। और आज मैं अपनी मम्मी को लेकर जा रही हूँ घुमाने, मैं, मम्मी, वर्षा, हम लोग तीनों जा रहे हैं हमारे घर के आसपास जो भी पंडाल बना है उसको एक्सप्लोर करने और उसको देखने, और ये आप लोगों को दिखाने कि हमारे घर के पास भी कितना अच्छा पूजा होता है। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग घूमने जाते हैं और साथ में आप लोगों को भी घुमाते हैं, और मम्मी को भी लेके जाना था आज घुमाने, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया कि चलो आज चलते जाते हैं दुर्गा पूजा घूम के आते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ। और देख सकते हैं मैं एकदम मस्त वाला रेडी हो गई हूँ, एकदम पंजाबी लुक। और ये मम्मी है तो मम्मी को भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, तो अभी फिलहाल हम चलते हैं और निकलते हैं। वर्षा का और मम्मी का वेट हो रहा है तो हम लोग स्कूटी से ही जाएंगे क्योंकि आसपास जाना है, और ऐसे भी स्कूटी ज़्यादा सेफ है तो और पैदल तो इतना दूर जा नहीं सकते हैं। तो देख सकते हैं सब कोई घूमने गया है, पूरा मोहल्ला शांत है, कोई नहीं दिख रहा है, तो सब कोई पूजा एंजॉय कर रहा है, मस्त वाला घूम रहा है, और आप लोग भी घूम रहे होंगे। तो हम लोग भी सोचे कि चलो हम लोग क्यों रहे घर पर, और हम लोग भी निकलते हैं। निकल गए हैं, बस वर्षा स्कूटी स्टार्ट करेगी, मम्मी और हम वर्षा, तो मस्त वाला घूम के आएंगे तो मज़ा आएगा। मुझे मतलब एक्साइटमेंट है कि चलो चलो जल्दी जाएंगे तो घूम जाएंगे। देख सकते हैं मेरी मम्मी भी मस्त वाला रेडी हो गई साड़ी वाड़ी पहन के, और इधर वर्षा इधर मम्मी। हमारे घर के पास ये देखिए लाइटिंग, और सारे लोग पैदल पैदल घूम रहे हैं। भीड़ तो है। और अभी हम लोग पहुंचे हैं बंगाली फील्ड, और ये है हमारे घर के पास का बंगाली फील्ड का पंडाल। वर्षा और मम्मी हमेशा की तरह आगे आगे और मैं पीछे पीछे। यहाँ पे पूरे बंगाली ट्रेडिशनल से पूजा होता है। मैं, मम्मी, वर्षा। तो बंगाली फिल्म से निकलने के बाद अब हम लोग धुरवा बस स्टैंड वाला पंडाल आ गए हैं। দুর্গা রাগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ আকের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। তো ধুরা বাস স্ট্যান্ড হো গিয়া, আব হাম লোগ জা রহে মন্টেসরি। तो ये जस्ट हमारे घर के आसपास ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस थोड़ा तो सब अगल ही बगल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे साउंड इशू हो सकता है। बस हम लोग पहुँच गए मोंटेसरी फील्ड। हाँ, अगर आप कोकोचुली आए होगे तो आपको पता होगा। দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে
लग लो दोला काशेर बुने ईमेल शारो जाने सृष्टि चावा पावा अड्डा सप्तमीटा सेल्फीते सेजे छे अष्टमी अंजलिया नवमी जमजमके आकाशे पूजो बंगार अभी हम लोग घर के पास जो गुड़िया दुकान बोलते हैं वो एक जगह है, वहाँ पे देखने आए थे और वहाँ बहुत ही सुंदर बनाया है। तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर निकल गए हैं और देखते हैं नेक्स्ट पंडाल कहाँ जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं सेक्टर 3 का पूजा पंडाल और यहाँ पे कुछ डांस प्रोग्राम या कुछ प्रोग्राम हो रहा है जिसके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। कितना ज्यादा भीड़ है। हाँ डांस वांस या कोई प्रोग्राम हो रहा होगा। सुपर टोपली बहुत अच्छा बनाया गया है चटाई से। इधर से अंदर जाने का रास्ता है। हम लोग अभी हिंदू के सनातन नव युवा संघ में आए हैं जहाँ का प्रारूप है वो केदारनाथ का दिया हुआ है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अगर आप लोग इधर नहीं आए हो तो आप लोग इधर आके जरूर यहाँ विजिट करना, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। कैसा लगा मम्मी? बहुत पहाड़ चलो हम लोग हटिया रेलवे स्टेशन वाले रोड पे आ गए हैं और यहाँ पे देशभक्त को डेडिकेट किया गया था। यहाँ तिरंगा जैसा पंडाल बनाया गया, तिरंगा ही पंडाल बनाया गया है।
यहाँ का जो थीम था वो तिरंगा के ऊपर था और पूरा का पूरा पंडाल तिरंगा ही बना दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग हटिया रेलवे स्टेशन वाले रोड से निकल चुके हैं और अब चलते हैं वापस घर की तरफ। एक दो पंडाल बचा हुआ है, कोशिश करेंगे वो भी आप लोगों को दिखा दें, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। तो घूमते घूमते हम लोग थक चुके हैं, तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था है पंडाल के पास ही, तो मम्मी को पसंद है डोसा तो वो मंगवा रही है डोसा, और मम्मी के लिए रेडी हो गए डोसे। क्या खाई तो ये रहा छोला भटूरा और ये रहा डोसा। एज यूजुअल हमेशा पूजा में यही चलता है, तो हम लोग जब भी पूजा आता है तो यही खाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया छोला भटूरा और मम्मी का डोसा, तो मैं दोनों में से थोड़ा थोड़ा खा लूँगी। अच्छा मम्मी, और ये मेरा मम्मी का और वर्षा का चाय है, तो खाना खाने के बाद हम लोग का चाय पियो। मम्मी भी चाय पी रही आज यहाँ पे और वर्षा टेस्टी है, पूरा एकदम मटका में ही बना है। मम्मी कैसा है? बहुत अच्छा। फाइनली घर आ गए और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि इतने सारे मतलब कि आसपास के ही पंडाल घूमे, और हमारे घर से हीनू और हटिया पास में ही है तो हम लोग वहाँ पे भी चले गए थे। तो मम्मी को आसपास का जितना पंडाल था वो घुमा दी, क्योंकि मेन रोड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि मैं जब षष्ठी को गई थी तो उसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो फिलहाल पूजा है तो लोग तो घूमेंगे ही, बट हम लोग यहाँ आसपास घूमे खाए पिए मस्त वाला मज़ा आ गया, डोसा छोला भटूरा चाय सब पी के, क्योंकि सारी व्यवस्था थी। हमारे घर के पास भी जो पंडाल बने थे वहाँ पे सब खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। तो आप लोग भी अगर इधर आओ, अगर प्लान कर रहे हो पूजा घूमने का, तो बिल्कुल आना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पंडाल बने और बहुत अच्छी व्यवस्था है इधर भी। तो मुझे तो अपने घर के आसपास के सारे पंडाल घूमने में बहुत मज़ा आया, और साथ ही हीनू में केदारनाथ मंदिर का प्रारूप भी देखने के लिए मिला, जो काफ़ी ही यूनिक था और काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे नंदी देवता का भी बनाया गया था मूर्ति, तो बहुत अच्छा था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया वो देख के। और आप लोग भी अगर हीनू जा रहे हो, अगर हीनू में रहते हो तो वो लोग तो जाते ही होंगे, बट अगर जो नहीं जानते वो उधर अगर हीनू कभी आते तो वहाँ पे भी दर्शन करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मेरा तो दुर्गा पूजा घूमना मतलब मज़ा आ गया, और मम्मी को भी घुमा दिए तो उसको भी मज़ा आ गया, और हम लोगों का पूजा हो गया डन। एक दो अगर पंडाल बचा है तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं डालूँगी ज़रूर। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ आप लोग भी अच्छे से घूमना और अपना ख्याल रखना, क्योंकि इतनी भीड़ होगी तो एक दूसरे का ख्याल तो आप लोग को ही रखना होगा। तो जितने भी फैमिलीज वाले हैं या फ्रेंड्स हैं, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से घूमिए, अच्छे से पूजा मनाइए। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।